बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मोदी हुकूमत का नारा तो आपने सुना होगा, लेकिन नारे का मतलब शायद अवामुन्नास को समझने में देरी कर दी, लेकिन उन्नाव के दिलसोज वाक्ये से समझ में आया कि नारे का मतलब शायद बेटियों को मोदी हुकूमत से बचाओ होगा। बहरहाल उन्नाव यूपी का वाकया हो या खटवा जम्मू में पेश आए 8 साल लड़की की इज्तिमाई अस्मत रेजी की घिनौनी हरकत हो, ख्वातीन के खिलाफ जरायम की शरह में कौमी सतह पर मुसलसिल बढ़ती जा रही है। ये दो अस्मत रेजी के वाकयात से सारी दुनिया में मजम्मत की जा रही है। यहाँ की अदालत में वाकयात को लेकर जो होगा सो होगा। बहरहाल ऊपर वाले की अदालत का फैसला अटूट और सख्त पकड़ वाला होगा। अब देखना यह है कि वाकयात के जिम्मेदारों पर हुकूमत क्या कार्रवाई करती है, लेकिन ये तय है कि जुल्म से हुकूमत नहीं चल सकती। बहरहाल सारे मुल्क में हम वो दुख की लहर दौड़ गई है, तो नाजरीन देखते रहिए। होती है पार्टी बनाने वाला भी अच्छा होता है, लेकिन उसको चलाने वाले जैसे बीजेपी है, ये नरेंद्र मोदी है, योगी है,
ये सब अलग अलग लोग हैं और अलग अलग तरीके से अपनी पार्टी चला रहे हैं। ये पार्टी कोई हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं है, ये बना ली है कि बीजेपी है तो हिंदुओं की है, कुछ और पार्टी है तो वो मुस्लिम की है, कुछ और पार्टी है तो वो सेकुलर की है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी के लिए कुछ नहीं कहूँगा, नरेंद्र मोदी और योगी के लिए कहूँगा, जो जो भी लड़कियों के साथ ये हो रहा है उसके जिम्मेदार ये दो आदमी है और बीजेपी के तमाम वो लोग हैं जो इन सबकी मदद कर रहे हैं। नारे जुलूस निकल रहे थे, रैली निकल रहे, आज तक 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक कुछ मैसेज लोगों का वहाँ से आज तक नहीं आया स्क्रीन पे। आज तक मोदी जी योगी जी कुछ आज तक आगे कुछ नहीं बोले, हम लोग कैसे बोलेंगे, छुपे हुए हैं। इंशाल्लाह ये प्रोटेस्ट हमारा रुकेगा नहीं, आज भी प्रोटेस्ट करें, आइंदा भी करेंगे जब तक वो लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा। ये नहीं कि आसिफा को बोल के नहीं, कोई भी लड़की को चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो जो भी हो, किसको भी इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और हमारा यूथ जो हमारा संतोष नगर का यूथ है वो हमेशा प्रोटेस्ट करते रहेगा।